अगर आपका इनमें से किसी भी तरह का वाहन चोरी हो चुका है तो आपको वाहन चोरी की FIR कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सारा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है। आप अपने वाहन की ऑनलाइन FIR कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। तो वाहन चोरी की ऑनलाइन FIR करने से फायदा ये होता है कि आप जैसे ही अपने वाहन की चोरी की FIR करते हैं, वाहन ढूंढने की कार्रवाई भी जल्दी होती है। ये भी आपकी वाहन चोरी कर रहा होगा तो किसी को बेचना चाहेगा वो तुरंत पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो सारा रिकॉर्ड फिर ऑनलाइन दर्ज हो जाता है किस तरह आप अपने वाहन चोरी की ऑनलाइन FIR की जाती है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपको अपने ब्राउजर में जाना होगा, यहाँ टाइप करना होगा दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस टाइप करने के बाद आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद देखिए, अगर आपकी गाड़ी अदर स्टेट की है और आपकी गाड़ी चोरी दिल्ली में हुई है तो आप दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे ही अपनी FIR दर्ज कर सकते हो। तो देखिए, सबसे ऊपर वाले लिंक में आपको क्लिक करना होगा, dillipolice.nic.in। यहाँ हम क्लिक कर लेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे, देखिए यहाँ सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा हो, यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का ये बटन दिख रहा होगा आपको। इस ग्रीन कलर के बटन पे देखिए लिखा होगा सिटीजन सर्विस, तो इस वाले बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। आपको देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा, मोटर व्हीकल थीफ। देखिए इस वाले ऑप्शन पे, मोटर व्हीकल थीफ EFIR वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे, देखिए आपके सामने दो ऑप्शन, यूजर यानी आपने अगर पहले से ID बना रखी है तो आपको यहाँ क्लिक करना है। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपनी FIR दर्ज कर रहा हूँ, इसलिए ID पहली बार बना रहा हूँ, तो मुझे यहाँ क्लिक कर लेना है न्यू यूजर। यहाँ पे देखिए न्यू यूजर, यहाँ आपको अपना नाम डाल देना है, यहाँ आपको ईमेल ID डाल देनी है, यहाँ आपको मोबाइल नंबर डाल देना है और आपको साइन अप के बटन पे क्लिक कर लेना। जैसे आप साइन अप के बटन पे क्लिक करोगे, आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल लिया है उसमें 4 डिजिट का एक OTP आएगा, वो OTP आपको डाल देना है। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर रजिस्टर FIR पे क्लिक करना होगा आपको। जैसे आप रजिस्टर FIR पे क्लिक करोगे, देखिए ये वेदर योर व्हीकल बीन स्टोलन इन दिल्ली, व्हीकल दिल्ली में चोरी हुआ है तो आपको यहाँ यस कर देना है। अगर आप वाहन दिल्ली में चोरी नहीं हुआ है तो ये FIR दर्ज नहीं होगी। जिसकी गाड़ी दिल्ली में चोरी हुई है उसी की FIR होगी। तो सिंपल, अगर आपकी गाड़ी दिल्ली में चोरी हुई है तो यहाँ यस कर देना है, अगर आप नो कर दोगे तो FIR रजिस्टर नहीं होगी। तो सिंपल आपको यस कर देना है। यस करने के बाद देखिए यहाँ आपको सबसे ऊपर जिसके नाम गाड़ी है उसका यहाँ नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फादर नेम, यहाँ जेंडर पे क्लिक कर लेना है, मेल है या फीमेल है, तो यहाँ मेल पे क्लिक कर लेंगे। कंट्री आपको इंडिया ही रखनी है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है, वैसे कंपल्सरी नहीं है, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल देनी है। अगर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपका दूसरा है तो यहाँ डाल सकते हैं, ऐसी ईमेल आईडी अगर है तो डाल सकते हो, वैसे कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जहाँ आपका व्हीकल यानी गाड़ी चोरी हुई थी वो वहाँ का यहाँ पे एड्रेस डाल देना है, किस जगह आपकी गाड़ी चोरी हुई थी। नीचे आपको पुलिस स्टेशन डाल देना है, उस एरिया का कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है। यहाँ ऑटोमेटिक अपने आप डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी। उसके नीचे डेट ऑफ व्हीकल थीफ, आपकी गाड़ी कब चोरी हुई थी उसकी यहाँ डेट डाल देनी है। यहाँ आपको टाइमिंग डाल देनी है। देखिए अगर मान लो आपके 12 बजे से पहले आपकी चोरी हुई थी तो आपको 12 घंटे का टाइम डालना होगा, जैसे 1, 2, 3 इस तरह से। अगर आपकी दोपहर के 12 बजे के बाद चोरी हुई है तो आपको यहाँ पे डाल देना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम, यहाँ 24 घंटे का टाइम काउंट होता है। तो इसलिए मैं सुबह 10 से यहाँ पे शाम 4 बजे तक का टाइम डाल देता हूँ। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद देखें यहाँ पे आएगा व्हीकल डिटेल, तो यहाँ आपको गाड़ी का नंबर डाल देना है। गाड़ी नंबर डालने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट कर देना है। देखिए जैसे आप यहाँ गाड़ी नंबर डालते हो तो ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ इंजन नंबर, चेसिस नंबर,
टाइप ऑफ व्हीकल, आपकी गाड़ी कौन से टाइप की थी, आपकी ई रिक्शा थी या टू व्हीलर फोर व्हीलर, मैन्युफैक्चरर सब आ जाएगा। यहाँ पे नीचे इंश्योरेंस डिटेल भी आ जाएगी। तो सिंपल आपको यहाँ गाड़ी नंबर डालते ही आपका सारी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट का बटन दबा देना है। नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है प्रॉपर्टी स्टोलन अलोंग विद व्हीकल, मतलब आपको गाड़ी के आपकी गाड़ी के साथ आपके कोई डॉक्यूमेंट या कोई सामान आपका यहाँ चोरी हो जाता है तो उसकी यहाँ पे आपको लिस्ट यहाँ पे ऐड कर देनी है। जैसे आईडी प्रूफ कुछ भी, आपका आधार कार्ड, बैंक पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, बस परमिट, कैमरा या फिर कोई मोबाइल वगैरह या किसी भी तरह का सामान या डॉक्यूमेंट आपका यहाँ गाड़ी के साथ चोरी हो जाता है तो उसकी भी डिटेल आप यहाँ डाल सकते हो। यहाँ ऐड मोड पे आप कई सारी डिटेल को फिल कर सकते हो। फिलहाल मेरी गाड़ी में कोई अलग से डॉक्यूमेंट नहीं था तो सिंपल आप मैं यहाँ नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ आप अपनी आईडी प्रूफ डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इंश्यू, ये आपको जरूरत नहीं है, सीधा अदर आईडी प्रूफ। यहाँ आपको अपनी आईडी प्रूफ में अपना आधार कार्ड डाल देना है। सिंपल यहाँ आप आधार कार्ड नंबर डाल देना है क्योंकि आईडी प्रूफ आपकी है तो उसका कुछ ना कुछ प्रूफ तो आपको लगाना होगा। के बाद आपको आईडी प्रूफ डालने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ आपको पूरी डिटेल डालनी होगी कि किस तरह आपकी गाड़ी चोरी हुई थी। यहाँ आपको पूरी यहाँ डिटेल टाइप कर देनी है, लेकिन ये सारी डिटेल आपको इंग्लिश में टाइप करनी होगी। अगर आपने सारी डिटेल हिंदी में टाइप कर दी तो आप गूगल ट्रांसलेट की मदद से इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ आपको पेस्ट कर देना है क्योंकि ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही सपोर्ट करता है। तो यहाँ रजिस्टर का बटन दबा देना है। जैसे ही आप रजिस्टर का बटन दबाओगे देखिए आपकी ऑनलाइन एफआईआर हो जाएगी। तो यहाँ सबसे नीचे अगर देखिए यहाँ अगर आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो। तो उसके बाद सिंपल आपको यहाँ सबमिट का बटन दबा देना है। जैसे आप सबमिट का बटन दबाओगे तो यहाँ आई सर्टिफाई करके आपको कन्फर्म का बटन दबा देना है। कंफर्म का बटन दबा के यहाँ पे देखिए ओके कर देना है या एफआईआर नंबर आ जाएगी या सिंपल आपको ओके का बटन दबा देना है। आपकी एफआईआर रजिस्टर होने के बाद आपकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं होते तो सिंपल आपको देखिए यहाँ पे होम बटन पे दिख रहा होगा, यहाँ आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए री रिसीव एफआईआर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे देखिए यहाँ पर आपकी जो आपने एफआईआर करी थी वो यहाँ पे इस वाले फोल्डर पे आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे क्लिक कर लेना है, जो आपने एफआईआर रजिस्टर करी थी वो यहाँ पे आ जाएगी। ओपन करने के बाद देखिए जो आपने एफआईआर रजिस्टर करी थी व्हीकल, जो आपने एफआईआर रजिस्टर करी थी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो आप सिंपल आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह आप अपने गाड़ी चोरी होने की ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।